शाहीन बाग में सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हुए उन्होंने कल शाहीन बाग गए और वहाँ पे जाकर लोगों के साथ वहाँ आज़ादी के चैंटिंग कर रहे हैं। पब्लिक वहाँ वो भी खड़े होकर उनके राग में राग मिला रहे हैं। सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, भाई मैं तो कह रहा हूँ कि ये पोषक हैं, ये कांग्रेस हो या आप हो, ये जितने भी दल देख रहे हैं, सब लोगों ने, ये विपक्ष के लोगों ने ये भाड़े के टट्टू पर इस प्रकार के सड़कों पर धरना लंबे काल तक करना, ये कराना, ये असंवैधानिक है। ये लोग संविधान पर, इनको विश्वास नहीं है, संविधान को तोड़ते तोड़ने और मरोड़ने का काम इन लोगों ने समय समय पर किया है। संविधान पर गला घोटने का भी काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। और आज जब संविधान के अंतर्गत ये संशोधन कानून बन चुका है जिसमें किसी का नुकसान नहीं है, न हिंदू का, न मुसलमान का, न सिख का, ईसाई का, फिर भी हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को भ्रामक प्रचार करके, दुष्प्रचार करके, एक षड्यंत्र के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए ऐसे शरणार्थी जिसको पूरी तरह से उसको प्रताड़ित किया गया, उनके मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हमने नागरिकता दिया है और ये नागरिकता कानून मजबूत रहेगा, इसमें किसी का कोई विरोध करने की आवश्यकता नहीं है।